गया पीछे सवाल तो सुनेंगे आपके पास तो व्हाट्सएप आया होगा सुनना नहीं चाहते कि आज इस मुद्दे पे अखिलेश यादव को घेरना है आप पत्रकार तो थोड़ी कर रहे हैं भाटी साहब आप तो व्हाट्सएप मैसेज भेजते हैं सर दोस्तों आप सब जानते हैं गोडी एंकरों के पास कोई भी बात का फैक्ट या सच नहीं होता है उनका बस एक ही काम होता है जो भी मैसेज उनको आला कमान व्हाट्सएप पे भेज दे उस पर ही डिबेट शुरू कर देते हैं। कुछ दिन पहले अखिलेश यादव ने एक बयान दिया था जिसमें वो अवधेश प्रसाद को अयोध्या का राजा बोल दिया था। अब गोडी मीडिया पूरा दिन उसी बात को लेकर विपक्ष पर हमलावर हो गया और पूरे दिन डिबेट में विपक्ष को प्रवक्ता राजकुमार भाटी को घेरता रहा। बार बार एक ही बात सुनकर राजकुमार भाटी ने गोदी प्रवक्ता विद्यानाथ झा को एक्सपोज कर दिया। देखे ये पूरा वीडियो, आइए देखते हैं भैरचंद मजा आएगा। सुनिए सही मेरी बात, मैं ये पूछ रहा हूँ कि अखिलेश यादव ने राजा कहा और आप कह रहे हैं कि वो स्वामी भी नहीं। आप पहले मेरी बात पूरी नहीं हुई। हाँ, पहले मुझे एक वाक्य बोलना दीजिए। आप पहले बोलिए कंप्लीट। पहले मुझे एक वाक्य बोलना दीजिए, कंप्लीट कीजिए। जब एंकर एक पक्ष में खड़ा हो जाए, जब एंकर एक पक्ष में खड़ा हो जाए और उस पक्ष में चिल्ला चिल्ला के दूसरे पक्ष को धमकाने लगे, फिर डिबेट निष्पक्ष नहीं रह जाती। बात तो सही है। डिबेट सवाल नहीं पूछू क्या आपसे? आप हमारी बात सुन ही नहीं रहे। आप मैं आपकी एक तरफ आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, जवाब दे रहे, फिर मैं सवाल पूछ रहा हूँ। कहाँ पढ़ा है, क्या पढ़ा? ये तरीका थोड़ी होता है डिबेट। आपका काम सवाल पूछने का, यार आप लड़ने लगते हैं। बोलने दे, बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल बोल, मैं सवाल पूछ रहा हूँ। लेकिन जब हम आपका पक्ष विपक्ष नहीं है, आप बीच में खड़े हो, राजकुमार आप रेफरी हो, आप रेफरी हो। बात तो सही है। लेकिन अभी सलमानी जी ने तो भगवान प्रभु राम को अयोध्या तक ही सीमित कर दिया। कई अयोध्या राम का कद तो ये घटा रहे हैं। राम तो सारी सृष्टि के कणकण में व्याप्त हैं, पूरे विश्व में राम तो विश्वव्यापी हैं। पूरी धराधाम राम जन्म से हुई है धन्य, निर्विवाद सत्य को विवाद से निकालिए। रोम रोम में रमे हुए हैं विश्वव्यापी राम, राम का महत्व एक वृत्त में डालिए। वसुधा कुटुंब के समान देखते रहे वो, ये घृणा के सर्प आस्तीन में न पालिए। और राम जन्म भूमि को तो राम ही संभाल लेंगे, हो सके तो आप मात्र भूमि को संभालिए। ये बड़ी अच्छी बात कही है आपसे। सड़क तो राम पथ तो संभाली नहीं जा रही, नौ जगह से धस गई है। आपको मंदिर के गर्भगृह में पानी टपक रहा, आपसे वो तो संभाला नहीं जा रहा। आपसे नीट पेपर तो लीक हो रहे हैं, वो तो रोके नहीं जा रहे। तुम्हें शर्म है कुछ? कुछ शर्म आया है? राजकुमार जी, मान लिया कि 10 ऐसे वक्त पर 10 बातें ऐसी होंगी जिसकी वजह से लोगों को पीड़ा हो सकती थी, हुई या नहीं हुई वो उनको तय करने दीजिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि क्या अखिलेश यादव को पर आपको उन पर बात नहीं करनी, आपको तो एक ही बिंदु रखना है। अब सवाल पूछने का वक्त है ना, क्योंकि आपको तो मिशन दिया गया पीछे। सवाल तो सुनेंगे, आपके पास तो व्हाट्सएप आया होगा, सुनना नहीं चाहते आज इस मुद्दे पे अखिलेश यादव को घेरना। आप पत्रकार तो थोड़ी कर रहे हैं भाटी साहब, आप तो व्हाट्सएप मैसेज भेजते हैं ना सर। गजब बेइज्जती है। मेरा एक सवाल है कि अखिलेश यादव को अयोध्या का राजा अवधेश प्रसाद को कहने से पहले क्या 1000 बार नहीं सोचना चाहिए था? और क्या अखिलेश यादव को और समाजवादी पार्टी को अब शर्म नहीं आ रही है कि कैसे अवधेश प्रसाद को उन्होंने अयोध्या का राजा बना दिया प्रभु श्रीराम की जगह? मैं वही तो कह रहा हूं, आपको विशेष मतलब नहीं है। आपको तो व्हाट्सएप पे मैसेज दिया गया कि आज अखिलेश यादव को समाजवादी पार्टी को घेरना है।